प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं जुलाई 2021 में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा महीना। आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे सीधा आपको प्राप्त हो। हम आपको बताते हैं कि मुख्य व्रत और त्यौहार कौन से इस महीने में है, उसके बाद ग्रहों की फल बताते हैं। इस महीने में गुप्त नवरात्र भी आता है जो कि 11 जुलाई को है। इसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में होती है। 18 जुलाई को गुप्त नवरात्र समाप्त होगा और 20 जुलाई को श्री हरिशयनी एकादशी का व्रत, 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा, 26 जुलाई को श्रावण सोमवार का व्रत होगा। हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि की स्थिति क्या होगी और क्या उसका फल मिलेगा। मिथुन राशि के मालिक जो है बुध, इस महीने सूर्य के साथ लग्न पर ही विराजमान है। बुध आदित्य योग बना रहे हैं जो कि आपको मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति की वृद्धि करेंगे। थोड़ी सी नेत्र और मस्तिष्क का ध्यान रखना है, मन स्थिर करके रहना है, चिंता नहीं करनी है। बाकी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। राजकीय क्षेत्रों से, बिजनेस से, संतान से, पत्नी से सबसे सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। सोचे हुए कार्यों में सफलता, काफ़ी दिनों से आपका कार्य जो रुका हुआ था वे सफल होने की पूरी संभावना। आप जो संतान पत्नी या खर्च को लेकर परेशान थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि सप्तम पर है। थोड़ी सी पत्नी को शारीरिक पीड़ा हो सकती है, पत्नी का भाग दौड़ बढ़ा रहेगा जिसके वजह से शारीरिक पीड़ा, मस्तिष्क, पेट में दर्द और नेत्र में भी दर्द की संभावना बन सकती है। हम आपको बताते हैं कि इस महीने द्वितीय स्थान पर शुक्र और मंगल विराजमान है जो कि आपको धन की वृद्धि करेंगे। लक्ष्मी योग बना रहे हैं, अचानक आपको लाभ हो सकता है, धन की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी और किसी विशेष शुभ कार्य में धन खर्च होने के भी योग बना रहे हैं और यात्रा के भी योग आपको बन सकते हैं। इस महीने खष्टम में केतु पेट और हृदय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भुजाओं में, पैरों में भी दर्द की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा कसरत, योगा इत्यादि करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। केतु की पाँचवीं दृष्टि दशम पर है। थोड़ा सा बिजनेस को लेकर आप इस महीने थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। इस महीने कोई बड़ा कार्य आरंभ करना है तो थोड़ा सोच विचार कर करें। नौकरी इत्यादि परिवर्तन करनी है, चेंज करनी है तो भी विचार करके ही करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। केतु की सातवीं दृष्टि खर्च पर होने की वजह से निरर्थक कुछ खर्च जा सकते हैं। केतु की नौवीं दृष्टि कुटुंब पर है। कुटुंब या भाई को लेकर भी कभी कभी मन टेंशन या चिंतित हो सकता है। शनि इस महीने आपके अष्टम पे है, शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए आपको कभी कभी चिंता, टेंशन, अनिद्रा ये आएगी। ऐसे में आप एकदम सात्विक रहें, नॉनवेज मांस मदिरा का न सेवन करें, न घर में किसी को करने दें। अगर ऐसा होता है तब तो एकदम आप ठीक रहेगा, नहीं मानसिक डिस्टर्बता आपकी बढ़ती रहेगी। शनि अष्टम में है, ये मानसिक डिस्टर्ब करते हैं। इनकी तीसरी दशम मान प्रतिष्ठा को आपका डर लगा रहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा समाज में कैसी है, कैसी नहीं है, क्या होगा, तो ये डर बना रहती है। इसलिए आपको विशेष रूप से सात्विक रहना चाहिए और बच्चों को भी सात्विक करवाना चाहिए। शनि की सातवीं दृष्टि कुटुंब पर है। कुटुंब को लेकर कभी कभी परेशानी, अगल बगल पड़ोसियों को लेकर भी आपका मन मुटाव बन सकता है। शनि की दसवीं दृष्टि संतान पर, संतान को लेकर आप कभी कभी चिंतित रह सकते हैं। यह है कि संतान को थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा हो सकती है लेकिन संतान की उन्नति भी योग बन रहे हैं। बृहस्पति इस महीने भाग्य में है आपके, जो कि भाग्य बराबर आपका साथ देता रहेगा। घर में कोई शुभ कार्य के योग बन रहे हैं भी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो होने के बाद बन सकते हैं। अगर आपकी संतान की शादी नहीं हुई है तो योग बन रहे हैं, बात चल सकती है, सफलता मिल सकता है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि लग्न पर है। घर में शुभ कार्य या कोई अच्छी खुशखबरी सुनकर आप प्रसन्न रहेंगे। और तीसरी दृष्टि मित्रों से लाभ होगा, यात्राएं करनी पड़ सकती है मित्रों के साथ और संतान को भी यात्राएं करनी पड़ सकती है। संतान की तरफ से आप कभी कभी तो टेंशन में होंगे लेकिन प्रसन्नता भी आपको मिलेगी। ज़्यादातर यह महीना आपका अच्छा रहेगा, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेश यात्रा करना है तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतें
और न जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बाकी ज़्यादातर ग्रह आपके अनुकूल ही हैं। स्वास्थ्य पेट का, हृदय का, पैरों का ध्यान रखें। हम आपको बताते हैं कैसा रहेगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ज़्यादातर आपका अच्छा रहेगा, बस चिंता टेंशन न लें। व्यवसाय में अच्छी उन्नति रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका जो है नॉर्मल रहेगा, न बहुत ही अच्छा न खराब है, बस पत्नी को शारीरिक थोड़ी सी पीड़ा। शिक्षा के क्षेत्रों में भी आपका अच्छा है। शिक्षा घर का मालिक शुक्र द्वति में है, थोड़ी सी बंधन जरूर आएगा लेकिन सफलता मिलेगी। आय व्यय आपका जितनी आमदनी है उतने खर्च बना हुआ, बराबर आय व्यय है। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए पूरे महीने जिससे आप प्रसन्न रहें और टेंशन अनिद्रा न आए, ऐसे में आपको नीलकंठ स्रोत का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक या पूजन करना चाहिए इस महीने। तो आपका यह जो है पूरा महीना अच्छे ढंग से जाएगा। नीलकंठ स्रोत की पुस्तक आती है, उसको लेकर उसका पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा यह महीना। और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का भंडारा करें या गरीबों को दान करें तो भी यह बहुत अच्छा जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कौन से तारीखें आपके लिए अच्छी होंगी। जो आप इन तारीखों को कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं तो सफलता मिलेगा। वो तारीखें हैं 1, 2, 5, 13, 14, 20, 22, 29 और 31 जुलाई। इन तारीखों को कोई बड़ा कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगा। प्रिय दर्शकों, चैनल पर समय का अभाव होने की वजह से अधिक जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है srimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।